गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास फोर का हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी, जिसमें अध्याय दो का पाठ है और उसका शीर्षक है वर्ण एवं मात्राएं। बच्चों, जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, उन ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं बाबा शब्द, बाबा बोल रहे हैं तो इसका जो ध्वनि निकल रहा है, यानी इसका ध्वनि इस प्रकार से है, ब हलन जोड़ आ, जोड़ ब हलन जोड़ आ, ये बाबा शब्द की ध्वनि है। और यही ध्वनि लिखित रूप में इस प्रकार से ये वर्ण कहलाती है। तब आगे हम लोग देखेंगे वर्ण की परिभाषा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे अ आ ई ई, इस तरह से ये वर्ण है जिसका हम और दोबारा खंड नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। इन दो भेदों में से हम लोग सबसे पहले स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। और एक बात, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या 11 है, वो है अ आ ई ई उ ऊ री ए एल ओ औ। अब हम इसके बाद स्वर के भेद के बारे में समझेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है, यानी स्वर के दो भेद हैं, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार हैं अ ई उ री, यानी इसकी उच्चारण में हमें बहुत कम समय लग रहा है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम स्वर के दूसरा रूप देखेंगे, वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये सात हैं अ ई उ ए ऐ ओ औ। ये सात स्वर है जिसके उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब हम वर्ण का दूसरा रूप देखेंगे और वह है व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। इन 33 व्यंजनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे का ख ग घ अंगा, ये का से लेकर के हा तक कुल 33 व्यंजन वर्ण है। इन्हें
व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के तीन भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतरस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में देखेंगे। स्पर्श व्यंजन अर्थात स्पर्श करने वाला व्यंजन। इनकी परिभाषा इस तरह से है, जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 है और इन्हें 5 भागों में रखा गया है। वो इस तरह से है, जैसे का वर्ग। का वर्ग में का खा ग घ अंगा। इन वर्णों को उच्चारण करते समय कंठ का स्पर्श होता है। उसी तरह से चावर्ग। चावर्ग में जितने वर्ण हैं इन्हें उच्चारण करते समय तालु का स्पर्श होता है। तावर्ग में जितने वर्ण हैं व्यंजन वर्ण उन्हें उच्चारण करते समय मूर्ध का स्पर्श होता है। तावर्ग के वर्णों को उच्चारण करते समय दांत का स्पर्श होता है। तावर्ग के वर्णों का उच्चारण करते समय ओंठ का स्पर्श होता है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी जो व्यंजनों के दो भेद हैं उसके बारे में अगले क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।